हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं जा रही हूँ गांव में, जा रही हूँ शादी में, बेटे के साथ जा रही हूँ, क्योंकि पहले दिन महिला संगीत था, मैं नहीं जा पाई, तो आज शादी है। मेरे जाने तक बारात तो चले जाएगी। ये देखो मैं पहुँच गई हूँ शादी में। यहाँ पर सभी जो भी मेरे गाँव की हैं, देवरानी जिठानियाँ, सब बैठे हैं यहाँ पर, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखो, इस समय दिन का 2 बजा हुआ था, मैं 1 बजे पहुँची वहाँ। खाना वाना खा के सभी लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। और मैंने गाना म्यूट किया हुआ है, क्योंकि कॉपीराइट आएगा, इसलिए मैंने सभी गाने म्यूट किए हैं। ये देखो, ये भतीजियाँ हैं सब यहाँ पे डांस कर रही, तो मैं वीडियो बनाने लगी इनकी। और बहुत अच्छा लगता है, गाँव में कभी कभी आना होता है, क्योंकि गाँव का माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। ये देखो पूरा इधर लगाया हुआ है टेंट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे किराए पे लेना है, अपनी जगह होती है, पूरा जितनी जगह होती है सभी में कर देते हैं। अभी इस समय सजावट पूरी नहीं हुई है, बस सिर्फ ये लगा हुआ है, टेंट लगा है, और रात को पार्टी होगी, तो तभी जो भी सजावट होगी, डेकोरेशन होगा, वो सभी रात को होगा। इस समय सिर्फ लेडीज़ हैं यहाँ पे, 2-4 लोग ही जेंट्स होंगे, नहीं तो सभी लेडीज़ हैं, और हंसी मजाक करते हैं बहुत सारा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखो सभी बैठे हैं, तो मैं सभी का वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे। कुछ लोग चले गए हैं खाकर, और कुछ लोग बैठे हैं अंदर ठंडे हवा पे, कुछ लोग यहाँ पे डांस देख रहे हैं। देखो ये भी जिठानी लगती हैं। ये सासू जी लगती हैं, और ये देखो सब बैठे हुए थे, तो मैंने सभी का एक साथ में ले लिया है। अब मैं रात को नहीं रुकूंगी, क्योंकि रात को फिर जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने सोचा अभी दिन में होकर आ जाती हूँ। कुछ लोग तो शर्मा भी रहे थे वीडियो बनाने में, लेकिन मैंने बना दिया था, सब अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन पूरी सजावट कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ टेंट ही लगा है और पंखे लगे हैं, और वही 4 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि बारात आएगी रात को, पार्टी के समय तक सब तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने उधर पे नहीं किया था, मैं देखूँगी अगर कॉपीराइट आएगा तो बात में करना पड़ेगा। और ये सभी देख रहे हैं यहाँ पे डांस से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, न्यू हैं तो ज्वाइन करें, और वीडियो में कोई भी कमी हो तो मुझे कमेंट के द्वारा बताएं, और अपना साथ और सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो यहाँ पर फिर 2 जेंट्स बने हुए थे, और बाकी लेडीज़ डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हंसी मजाक चलता है। जो कुमाऊँ से हैं वो जानते होंगे, इसको रोतेली बोलते हैं दिन में। ये देखो ये बनी है जोकर टाइप की। और उसके बाद ये जब मैं घर को आ रही थी, तो मैंने वहाँ का वीडियो बना लिया था, थोड़ा सा ये धान, अब बरसात में जो धान लगाएंगे उसका पौध रख दी है, और ये कितनी हरियाली हो रही है। बीच में बिल्कुल गेहूँ थे तो पीला पीला हुआ था सारा, अभी गेहूँ कट गए हैं और खेत खाली हैं, कहीं पे जानवरों का चारा है, कहीं पर धान की पौध रखी हुई है, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ भी बना लिया है। बहुत अच्छा लगता है, देखो अभी इस समय हरियाली है उतना नहीं है, क्योंकि जानवर का चारा है, और ये धान का पौध, जो छोटी छोटी पौध होती है धान की, वो रखी हुई है। पूरा मैंने उधर का बना लिया था फिर वीडियो। बस गाँव में और यही फ़ायदा होता है, जितनी भी जगह है अपनी होती है, पूरी खाली है इस समय जगह, तो जितनी जगह है आराम से आप बना सकते हैं। ये पूरे बैठे हुए थे मेहमान लोग, कोई अंदर कोई बाहर, तो मैंने साथ में सभी का वीडियो बना लिया यहाँ पे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, और अपना साथ ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। जहाँ शादी है उनके गार्डन है, तो मैंने यहाँ पर से बना लिया था वीडियो, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो ब्लॉग नहीं बनाया हुआ है, टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसी को बना के डाल देती हूँ, आप लोग देखें।
और कमेंट जरूर करें कैसी लगी वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।